इस दवा का गैर जरूरी और बहुत ज्यादा इस्तेमाल और उनकी डेथ भी हार्ट अटैक की वजह से ही हुई। क्या डेड बॉडी का आप लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया था? नहीं, हमजा, आई डिड अपोलोजाइज टू पोपो, माफी मांग ली थी मैंने, लेकिन वो खुद ही कह रही थी कि वो खुद तंग आ गई हैं, इतना शोर मचाते हैं बच्चे। हालांकि दो बच्चे अभी रहते हैं जिनका कुरान खत्म होना है, तो कह रही थी जैसे ही उनका कुरान खत्म हो जाएगा ना, तो सारे बच्चों को मना कर देंगे आने से। हमजा, सुन रहे हो? हाँ, पप्पू ने शायद ये तुम्हारी वजह से सोचा होगा। हाँ शायद, लेकिन मैं भी क्या करती, तुम कौन सा ठीक से मुझसे बात कर रहे थे? इतने दिन की पेंट अप फ्रस्ट्रेशन, मुझे भी तो गुस्सा आ गया। मैंने पप्पू पे निकाल दी, तो मैंने अपोलोजाइज कर लिया उनसे। अगर मैंने तुमसे बात नहीं की, तुमने कौन सा बात करने की कोशिश की? हमेशा मुझे ही एफर्ट करना पड़ती है ना, तुम तो कभी भी नहीं करती हो। अच्छा, तो शादी से पहले डिसाइड नहीं हुआ था कि जब जब मैं नाराज होंगी तुम मुझे मनाओगे? अगर मैं भी जिद में आ गया और ना मनाया तो क्या हमेशा के लिए रूठ जाओगी? हो भी सकता है। गला ना दबा दूं मैं तुम्हारा? हो भी सकता है। छोड़ो मेरा हाथ। मारिया देखो क्या बोल रहा है हमजा, कह रहा है मेरा गला दबा के मुझे मार देगा। बहुत झूठी है तुम्हारी बहन। हाय शुक्र है तुम दोनों की हंसी तो सुनने को मिली। अच्छा लिसन, मामा कह रही थी तुम्हारी बर्थडे का डिनर हमारी तरफ होगा, तो आज शाम आ जाना। आई विल बी वेटिंग। ओ मारिया प्लीज, मामा को एक्सक्यूज कर लो, मैं और हमजा डिनर पे जा रहे हैं, वी वोंट बी एबल टू मेक इट। ओके बाय। ठीक है, ओके बाय। मामा डिनर पे बुला रही थी, मैंने मना कर दिया। थैंक यू, प्रिटी गर्ल। ऐसा कौन बेहतर लग रहा है? साथ अच्छे लगते हैं। तुम्हारा खून मैं रायगा नहीं जाने दूंगी, माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हारी कातिल को। हाय अजरा, समझ नहीं आती हमारी हस्ती खेलती जुगनू की खुशियों को किसने नजर लगाए। आप भी तो इतने दिनों बाद आई हैं, और हम सब भाई वो तो एक दफा भी नहीं आए। बच्चे, मैंने कई बार सोचा कि मैं आऊं, लेकिन सच बात तो ये कि मेरा हौसला नहीं हो रहा था तुम्हें इस हाल में देखने के। हमजा दफ्तर से बड़ा बिजी होता है और तुम इद्दत में हो मुझे मुनासिब नहीं लगा। वैसे तो फरहान से वो रोज मिलता है। कोई आए ना आए मेरी बच्ची, तुम्हें तो अकेले ही अपने दुख सहने हैं ना। ऐसे मत कहो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी जुगनू की भी जिंदगी में बहुत सी खुशियां फिर से आएंगी, जरूर आएंगी। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे आरफा बहन। आमीन। तुम्हारी बहू रूठ कर गई हुई है क्या? ये अजरा बिल्कुल ठीक है, घर पे है, क्यों? अच्छा, मुझे लगा शायद वो है नहीं घर पे,
अरे हम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, ऐसा ना हुआ उसे कि आकर ताजियत के दो बोली बोल। ऐसे भी क्या मेरी का घमंड है, ये वक्त तो किसी पर भी आ सकता है ना। मम्मी कभी तो सोच समझ के बोल लिया करो, जब भाई को मेरी भी उम्र लग जाए। और पप्पो तो आती है ना जिनसे हमारा रिश्ता है। मतलब सीरियसली यार, अभी भी शादी हो गई है यार उसकी। तो क्या हुआ तैमूर? यार बुजदिल डर के भागते हैं, यही सोच के मैं वापस आ गया। जो मुझे पाना वो मैं हासिल करके रहूंगा। I'm determined। दफा कर यार, दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं जो इससे अच्छी हैं और जो मेरे एक इशारे पे तेरे कदमों में दुनिया ढेर कर देंगी। दफा कर इसे। अब मगर मेरी जिद तो वो है ना, एक तो मैं कुछ ना कुछ तो करता हूं। अब मैसेज किसे कर रहा है? सोनिया की बर्थडे है, उसे विश कर रहा हूं। अम्मी आपको क्या जरूरत थी पप्पो से ये बात करने की? और तुमने उस रिश्ते का क्या पास रखा जो तुमने मेरे मासूम भाई के साथ जोड़ा था? नागिन बनकर डस लिया ना उसको, मेरे भाई की कातला हो तुम। क्या बकवास कर रही है जुगनू, ये इतना बड़ा इल्जाम, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत? हिम्मत तो आपकी बेटी की हद से बढ़ गई है जिसने मेरे भाई का कत्ल कर दिया। भाई का खून माफ नहीं होने दूंगी मैं। अगर मैं खामोशी से सब्र करके तुम्हारे भाई का घर छोड़कर आई हूँ और यहाँ पे उसी के नाम की इद्दत गुजार रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आके मुझ पे कीचड़ उछालो, कुछ भी कहो। जाओ यहाँ से, वो रहा दरवाजा, इसको भेजे, मैं इसकी मजीद बातें नहीं सुनूंगी। भेजे इसे अभी। सुननी पड़ेगी मेरी हर बात, सुननी पड़ेगी तुम्हें, और दुनिया भी वही बोलेगी जो सच है।